जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत, लुसेंट का निचोड़ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः हमको चार स्रोत से प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदुषियों का विवरण तथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेदों की संख्या चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10462 ऋचा यानी श्लोक है। और विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। और ऋग्वेद के नवे मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और ऋग्वेद के सातवें मंडल में दशराग का युद्ध का वर्णन है। और नेक्स्ट देखते हैं कि चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का स्रोत ऋग्वेद के दसवें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त पुस्तक में है। और सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और कर्म कांड पर आधारित वेद यजुर्वेद है। याद रखना कि भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहता है, जिसको सबसे पहले जैमिनी ने लिखा था। किसने लिखा था? जैमिनी, याद रखना है, जैमिनी। कर्म कांड पर आधारित वेद है यजुर्वेद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से और वायु पुराण से संबंधित वंश कौन है? गुप्त वंश है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। क्या कहा गया है? दो पुत्रियां कहा गया है। और वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है, जिसकी संख्या छह है। कौन कौन है? तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। और भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा जो क्रमबद्ध विवरण मिलता है वो पुराणों में मिलता है, जिसकी संख्या 18 है, जिसके रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्र सर्वा को माना जाता है। और जबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक जो है स्मृति ग्रंथ है वो मनु स्मृति है, जिसके लेखक मनु थे, जिसका संबंध शुंग काल के मानक ग्रंथ से है। और नारद स्मृति शुंग वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख धर्म ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन परिचय तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण हमको मिलता है। किससे? भगवती सूत्र में। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, जिनका अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी हमको मिलती है। और अर्थशास्त्र के अनुवादक शाम। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया था। इनके द्वारा लिखित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध किससे है? तो कश्मीर के इतिहास से है। उस समय जय सिंह शासक थे, याद रखना है। और अरबों का सिंध विजय वृत्तांत चचनामा पुस्तक में मिलता है, जिसके लेखक अली अहमद है। और अरबों ने 712 में सिंध पर विजय प्राप्त की थी, उस समय राजा दाहिर का शासन था। और अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण भाषा की प्रथम पुस्तक है, के लेखक पाणिनि है। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में भारत और फारस, जो अभी ईरान के नाम से जाना जाता है, के बीच में संबंध का वर्णन किया है। और मेघास्तनी सेल्युकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी दिया है। नेक्स्ट है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो टॉलमी ने लिखा है। और नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये प्लिनी है। कौन है? प्लिनी। बहुत पूछता है क्वेश्चन। और फयान चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। जो फयान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और यह अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। संयुगन 518 में भारत आया था। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह 629 ईस्वी में चीन से चला। एक वर्ष के बाद यह 630 में भारतीय राज कपिसा पहुँचा। और इसका जो भ्रमण वृत्तांत है ये सीयू की नाम से प्रसिद्ध है। और फिर 645 में चला गया चीन और 647 में मर गया। इसकी मृत्यु 647 में हो गई। और इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। अलबरूनी या मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। इसने किताब उल हिंद या तहकीक हिंद की रचना की थी, जिसका मतलब होता है भारत की
भारत एक खोज, मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में आया था। बहुत ही इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। और किताबुल हिंद का मतलब क्या होता है, तो भारत एक खोज, और भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक ऐसे पूछता है, तो ये हम लोग जानते हैं जवाहरलाल नेहरू लिखे थे। और ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का भूगोल टॉलमी के द्वारा लिखा गया था, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत का नाम रेहला है। क्या है? रेहला। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसको 1333 ईस्वी में इसके विद्वता के कारण यह प्रभावित होकर ये अपना राजदूत बना लिए थे। और भारतीय पुरातत्व के पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र है ये हाथी गुम्बा अभिलेख से प्राप्त होता है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है और जिससे संबंधित राजा जो है कलिंग राजा खारवेल है। और सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी हमको भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है, जिससे संबंधित शासक कौन है? स्कंदगुप्त। नेक्स्ट देखते हैं कि सती प्रथा का पहला लिखित जो हम लोग को साक्ष्य मिलता है वो एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, और इससे संबंधित शासक भानुगुप्त है। और ये 510 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। और उत्तर भारत में मंदिरों की कला की जो शैली है वो नागर शैली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दक्षिण भारत के मंदिरों की जो कला शैली है उसको द्रविड़ शैली बोलते हैं। और दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, इसलिए इसको बेसर शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसर शैली। उत्तर भारत में जो मंदिर की कला शैली है वो नागर शैली, और दक्षिण भारत में जो मंदिरों की कला शैली है वो द्रविड़ शैली है। और दक्षिणापथ के मंदिरों के जो निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है तो इसलिए इसको बेसर शैली भी कहा जाता है। और सती प्रथा का पहला लिखित जो साक्ष्य है एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है 510 ईस्वी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास